वीडियो में थंबनेल और टाइटल देख करके आपको समझ में आया ही हो गया होगा कि इंजीनियरिंग का यह ट्रेड नहीं लेना, नहीं तो घर बिक जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक महानुभाव है, उनका नंबर या फिर नाम क्या डिस्प्ले कराया जाए, कमेंट बॉक्स में आकर के मैक्सिमम टाइम ये कमेंट करते हैं कि इंजीनियरिंग का यह ट्रेड बेकार, आप क्या बताते हो सर, और ये ट्रेड लेकर के तो घर बिकवाने वाला ट्रेड है। तो मैंने बोला जी बताइए कौन सा ट्रेड है जिससे आपका घर बिक जा रहा है, मैं भी तो जानूं। तो जनाब ने बोला कि सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली हुई है, इंस्टाग्राम पे भी आए, वहाँ पे भी मैसेज मैसेज कॉल पे कॉल कर रहे थे, और तो मेरी टीम वहाँ पे रहती है एक्टिव, तो टीम ने बताया कि सर ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे होगा कि इंजीनियरिंग का कौन सा ऐसा ट्रेड है जिससे उस बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा है कि आज हमारा घर बिक जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पहली बार अगर आप चैनल पे आए, चैनल करियर अड्डा पे आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो, इधर उधर की बातें घुमाने से बेटर है आपको जो क्लियर कट बातें हैं वो आपको बताई जाए, ठीक है। अभी मैं जैसे अपने लैपटॉप के सामने हूँ, ठीक है। अगर मैं इंजीनियरिंग के किसी भी ट्रेड के बारे में आप मेरे से पूछोगे, पिछले 5 सालों से मैं बहुत एक्टिव हूँ, क्या मार्केट में चल रहा है, चीज़ें पढ़ता हूँ, बताता हूँ, एक्सपेरिमेंटेड होती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज करता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब ऐसा माइंडसेट बनाना कि यार इंजीनियरिंग का ये ट्रेड लिया तो घर बिक जाएगा, देखो इंजीनियरिंग का कोई ऐसा ट्रेड नहीं जिससे घर और बिक रहा है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे बैठा हुआ, आपके दिमाग पे बैठा हुआ, माँ बाप इतना पैसा लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, कभी आपने सोचा हमारे पेरेंट्स कहाँ से पैसा लाते हैं, कभी आपने ये सोचा? जिस दिन बैठ के सोचोगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि पैसे की क्या वैल्यू है और पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। और ये जो ज्ञान भरी बातें जिन लोग कमेंट में आगे कर रहे हैं कि घर बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया, स्ट्रगल कहाँ नहीं, आप मेरे को ये बताओ। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, स्ट्रगल कहाँ नहीं, आप ही मेरे को ये बता दो। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 10-10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा रहे हो, क्या वहाँ स्ट्रगल नहीं है? अभी वही बात मैं वीडियो बना करके आप लोगों को रियलिटी से वाकिफ कराऊँ, चीज़ें सही से ट्रांसपेरेंट वे में रखूँ, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा कि नहीं चीज़ें इस तरह से हैं। जो फैक्ट है, जो हकीकत है, वही चीज़ आपके सामने रखी जाती है, ठीक है। और उस चीज़ से आप भागोगे, कब तक भागोगे? एक बार भागोगे, 2 बार भागोगे, 10 बार भागोगे, लेकिन हकीकत से वाकिफ तो ज़रूर होना पड़ेगा ना। मैं बार बार ही बोलता हूँ, कोर इंजीनियरिंग में स्कोप बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जब हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो करंट टाइम का सिलेबस है ना, वो शायद इंडस्ट्री से मिसमैच है, मतलब कि इंडस्ट्री में कुछ और चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट है, IoT है, ये सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मुझे लगता है EV का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इतना डिमांडिंग है। लेकिन EV का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, EV की कोई चीज़ें ही नहीं है, तो कहाँ से पता चल पाएंगे हमें? तो मैं बस यही ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट जो चीज़ें हो करियर में ना, वो दे सकूँ। ट्रस्ट मी गाइस, आप मानोगे नहीं ना, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले आते हैं जो यहाँ बोलते हैं, मैं बता दूँ पर डे, मैं बता दूँ कम से कम 20-25 मेल आते होंगे कि सर ये करना है, आपके साथ ऐसे करना है। उसमें जो बेस्ट होता है मैं उसी के साथ काम करता हूँ, जो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं या जो भी वीडियोज आते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते उनके साथ काम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ही हो, ऑडियंस आप हो, स्टूडेंट आप हो, ठीक है। आप तक अगर सही चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो शायद वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी उस पर अफसोस होगा कि शायद स्टूडेंट को गलत चीज़ें डिलीवर हो गई हैं, और इस पर शायद इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग का कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जिससे आपका घर बिक जाएगा, तो ये सब चीज़ें माइंडसेट से हटा दीजिए और होपलेस मत होइए लाइफ में। देखिए, साल 2 साल कभी कभी नहीं लाइफ में सफलताएं मिलती है, सबके साथ होता है। जब हम स्टूडेंट थे ना, मेरे साथ भी होता था, एक टाइम था मैं सोचता था 10,000 की जॉब मुझे कोई दे देता तो मैं बहुत अच्छा होता मेरे लिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग की, बहुत सारी चीज़ें की, हमने भी सीखा है, स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं था कि चीज़ें। हमारे फादर एक फार्मर हैं, किसान हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मैं IAS ऑफिसर के बेटे हैं, IPS हैं, तो नॉर्मल बैकग्राउंड से हम भी आते हैं, और चीज़ें हमारे लिए भी उसी तरह था। आपको भी स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है सिर्फ मैं यूट्यूब करता हूँ, जी नहीं, यूट्यूब के अलावा भी अपना काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में यूट्यूब के अलावा भी। यूट्यूब पे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि मैं जुड़ा रहता हूँ और हमेशा जुड़ा रहूँगा। आप लोग मतलब जो भी चीज़ें होंगी जो आपके हित में होंगी, अच्छी चीज़ें, वो हमेशा बताता रहूँगा।
तो निगेटिविटी पे मत जाइए, निगेटिव चीज़ें हमेशा लाइफ में रहती हैं, प्लस माइनस। मुझे भी उतना दिल पे लेने वाली बात नहीं थी, लेकिन जब चीज़ें आप मल्टीपल स्टूडेंट को डीमोटिवेट किया जाता है तो मुझे लगता है कि नहीं, हाँ चीज़ें इस तरह से नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ ना, बहुत सारे लोग कमेंट में आकर के, थर्ड पार्टी लोग कमेंट में आते हैं करियरडा चैनल पर कि भाई आप ये करो कि मैं वर्क फ्रॉम होम की जॉब दे रहा हूँ, 500 रुपये, 200 रुपये, 600 रुपये लेकर के, और इस तरह से चीज़ें चल जाएंगी और पैसा लूट खाते हैं। मैं बता दूँ यही होता है। अगर देखो, एक और चीज़ जो करियर कंसल्टिंग सर्विसेज हमने स्टार्ट की है, 2000 की सर्विस सिर्फ 199 रुपये में देने का जो डिसीजन हुआ ना स्टूडेंट के डिमांड पे ही, मैक्सिमम लोग आता था सर 500 रुपये, 1000 रुपये या 1500-2000 रुपये हमसे नहीं हो पाएगा। हमें भी लगा चलो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, अब 199 रुपये रख दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो जिन लोगों को करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए वो ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार जा करके ज़रूर देखें। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।